बड़ी तो चॉकलेट लेड लेड मेरी कपी केक है केक है केक है। अरे यार कहाँ रह गया लोकेश और बोल कहाँ है? अरे यार बोल तो उस लोकेश के पास है, वो आएगा तभी तो खेलेंगे। हाँ यार हमेशा ना लेट कर देता है लोकेश, इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना टाइम थोड़ी ना लगता है यार घर से यहाँ तक आने में, कब से वेट कर रहे हैं उसका। अबे क्या यार लोकेश लोकेश, जब लोकेश बोल लेके आएगा तभी खेलेंगे क्या, उसके चक्कर में हमेशा लेट रहते हैं हम लोग। तुम्हें कितनी बार बोला मैंने कि 10-10 रुपए इकट्ठे कर लो और एक बॉल ले आते हैं, लेकिन नहीं लोकेश लोकेश आएगा तभी खेलेंगे। अरे भाई चिद्दी पैसे है कहाँ? हाँ, पॉकेट मनी नहीं मिलती क्या तुम लोगों को? अरे भाई पॉकेट मनी मिलती है पर सेविंग्स नहीं है ना, आती है खर्च हो जाती है, इसमें मैं क्या करूं? और मुझे तो वो भी नहीं मिलती है। अरे यार इस लोकेश का क्या करे। हाँ चिद्दी एक काम कर, फोन मिला। हाँ, ये बढ़िया आइडिया है। ओ शिट यार बैलेंस तो है नहीं। चिंदी चोर चिद्दी कहीं का। अरे ले यार तू मेरे फोन से मिला ले। हाँ दे। लेकिन स्विच ऑफ है। अबे यार ये ले मेरे से ले ले। हेलो लोके लोके उठा लिया क्या? तेरे फोन में अभी बैलेंस नहीं है, पकड़ इसको। अरे यार ये लोकेश, हे भगवान क्या करूं, मम्मी ने बोल दी नहीं अब क्रिकेट कैसे खेलूंगा और ये सारे मेरा वेट कर रहे हैं, हे भगवान। चॉकलेट? अरे अरे इसमें तो सच में चॉकलेट है, एक काम कर लेता हूँ खा लेता हूँ, नहीं तो ये सारी चॉकलेट छीन लेंगे मेरे से। अरे यार ये लो लोकेश। कहाँ? अबे यहाँ। अबे इसके हाथ में क्या है? ये तो चॉकलेट लग रही है। अबे तो चल ना। अकेले अकेले खा रहे, चलो चलो जल्दी। चलो छीन के खाते हैं। सही कह रहा है, छीन लेंगे और खा भी लेंगे। मोटा गई का। अटैक! वो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। अरे खुल जाओ। क्या खाया तूने अभी? हाँ? कुछ भी नहीं। तूने चॉकलेट खाई है हमने देख लिया, समझ गया, झूठ मत बोल हमसे। अरे नहीं भाई मैंने नहीं खाई। तो तू ये अपनी फिंगर्स को क्यों चाट रहा है? ये देख इसके मुंह में लगा हुआ है। क्या खाया तूने? ये चॉकलेट जैसे क्या लगा, ये पीला पीला। सिद्धी एक काम कर चेक करके आ। अबे चॉकलेट खा रहे है ये। मस्ती लगी हुई थी, मजा आ गया चाट के। क्या था? चॉकलेट थी। खा के आ गए हैं। तू भी खाएगा जा, खा क्या जब नहीं खाने का चॉकलेट। और लोकेश वो केले केले चॉकलेट खा गया, ये तूने ठीक नहीं करा, तू भाई नहीं है हमारा, देख लिया तेरे को, तूने ठीक नहीं करा ये। अच्छा ये सब छोड़, तू ये बता तेरे को ये चॉकलेट मिली कहाँ से? और हाँ सच सच बोलियो। सच्चा ना तुम्हें? हाँ बोल ना। दोस्तों मैं जो भी कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, और सच के सिवा जो कुछ भी बोलूंगा सब कुछ झूठ बोलूंगा। देख मैं रस्ते से आ रहा था, बेलपूरी नहीं खा रहा था, मैंने मम्मी से बोल मांगी, मम्मी ने बोल देने से मना कर दिया, मेरे को मिर्ची लगी और मैं रोता रोता यहाँ पर तुम्हारे पास आ रहा था, और किसी भले आदमी ने ना रस्ते में चॉकलेट डाल रखी थी और वो भी आधी खाई हुई, पूरी नहीं थी वो, तो मैंने वो खा ली, तो गलती होगी मेरे से यार, मैंने तुमसे नहीं पूछा। सड़क से उठा के कुछ भी यार क्या बोल रहा है तू? ठीक है तूने अकेले अकेले खाली, पूछा भी नहीं दोस्तों से। हमें भी चॉकलेट खानी है। मुझे भी खानी, मैं किसके पास जाके रहूं? तू झूठा है, मैं चॉकलेट खानी। पागल से चॉकलेट खानी तुम्हें? हाँ। और पेट भर गए? हाँ। तुझे भी? हाँ। तुझे भी? हाँ। हे भगवान कहाँ से लाओ इन भुखड़ों के लिए चॉकलेट, हे भगवान कुछ तो आइडिया दे, शक्ति दे। आइडिया? कैसा आइडिया? कैसा आइडिया? अरे जल्दी बोलना फिर। तुम सब एक काम करो, तुम सब एक एक चॉकलेट का डिब्बा मेरे घर पे लेके आओ शाम को। किस खुशी में? अबे वो पागल समझ रखा है क्या, एक एक डिब्बे के साथ घर आ जाना। हट। एक एक डब्बा चॉकलेट का? अबे इतने पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे होते खुद ना खा लेते हम। अबे पूरी बात तो सुन ले मेरी, बोलना। तुम एक डब्बा लेके आओगे ना तो तुम्हें एक डब्बे के बदले मैं 5 डब्बे दूंगा चॉकलेट के। एक के बदले 4? सिद्धि मतलब बाय 1 गेट 5 फ्री। अबे तेरे बाप की फैक्ट्री खुली है क्या? अरे बाप की नहीं खुली लेकिन मेरी तो खुली है।
पर किंतु अब किंतु परंतु छोड़ो, तुम शाम को चॉकलेट का डब्बा मेरे घर ले आना और मेरे घर आ जाना और अपने 5 डब्बे चॉकलेट के साथ मिले जाना। दिख रहा सुनने में तो अच्छा लग रहा, चल चलेंगे। हाँ चलेंगे, आना कितने बजे है? शाम को आ जाना 5 बजे। अरे 5 बजे शाम को आ जाएंगे हम, ठीक है? चलो। बोतल में उतर गए। अरे यार मेरे को तो डर लग रहा है, हम लोकेश के घर तो जा रहे हैं, पता नहीं क्या ना हेरे फेरी करेगा वो। हाँ यार ये लोकेश ना हर बार कोई घोटाला करता है, इस बार भी पक्का उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। हाँ यार मुझे भी डर लग रहा है, कहीं 5 चॉकलेट के चक्कर में ना हम अपनी पॉकेट मनी की ये 1 चॉकलेट भी ना खो दे। सही कह रहा है यार जिद्दी तू। एक मिनट, ओ राहुल तेरा डब्बा कहाँ है बे? अरे भाई मैं घर गया था, मम्मी से पैसे मांगे थे, लेकिन मेरी मम्मी ने चप्पल मार मार के मेरी सोच पर पानी फेर दिया। अरे यार छोड़ो, चलो चलते हैं लोकेश के पास। यार इसका हर बार का हो गया है। हाँ अपने डब्बे से एक कुछ नहीं दूंगा तेरे को मैं, देख लियो। ये ना हमारी चॉकलेट हड़पने के चक्कर में। चल भाई लोकेश, चॉकलेट चैलेंज की तैयारी होगी पूरी, सारा सामान भी आ गया है। अचार की खुशबू, ये होगी अपनी पिज्जा सॉस, आंब, ये हो गया करेला, और ये होगी गोभी। अरे वाह भाई, अब इन्हें भी तो पता लगे कि लोकेश के साथ चैलेंज कर रहे हैं, हर बार कुछ न्यू मिलेगा। कहाँ रह गई? लोकेश भाई क्या हाल है? अरे कहाँ रह गए थे तुम यार? अरे यार थोड़ा काम आ गया था बस, तुम्हारे पास ही फोन कर रहा था मैं। अरे लोकेश हम चॉकलेट के डिब्बे ले आए हैं। हाँ जल्दी लाओ, लाओ लाओ लाओ। बैठो, तेरा डब्बा कहाँ है? अरे मम्मी ने पैसे ही नहीं दिए तो डब्बा कहाँ से लाता? अरे जल्दी बताओ क्या करें इसका। अरे भाई काम करो, इसको जज बना दो। अबे कैप्टन बोलते, कैप्टन बनवाओ इसे, क्रिकेट में होता है वो। यहाँ के बैठ जा। ऐसे रैपट मारूंगा पागल सा। चलो दोस्तों अपना चॉकलेट चैलेंज स्टार्ट करते हैं। अरे भाई वो तो ठीक है, करना क्या ये तो बता। अरे लोकेश ये चॉकलेट तो ठीक है, पर ये सारा सामान क्यों रख रखा है तूने? हाँ ये गोभी, अचार, ये क्या ये करेला, आम, और ये क्या ये? अबे चटनी है। चटनी क्या? सब्जी बना के खिलाएगा क्या हमें इसकी? अरे बता रहा हूँ, ठहरो शांति रखो। दोस्तों आप सबको बकेट दिखाई दे रही है? हाँ ऑफ कोर्स दिखाई दे रहा होगा, अंधे थोड़ी हैं। इस बकेट में है पर्चियां और उन पर्चियों में लिखे हुए टास्क। जिसकी पर्ची पे जो टास्क निकलेगा उसे वो पूरा करने पड़ेगा, वो भी चॉकलेट के साथ। अरे यूं कर जाएंगे हम चुटकियों में, बहुत आसान है ये मेरे लिए तो। हाँ मतलब चॉकलेट और ये खाने कॉम्बिनेशन बनाना है क्या? अरे बता रहा हूँ देख, जैसे इस पर्ची में तेरा टास्क निकला चॉकलेट प्लस गोभी, तो तुझे चॉकलेट के साथ गोभी खानी पड़ेगी। और तेजस्वी जैसे तुम्हारा टास्क निकला चॉकलेट प्लस करेला, तो तुम्हें चॉकलेट के साथ करेला खाना पड़ेगा। और चिद्दी जैसे तुम्हारा टास्क निकला ना चॉकलेट प्लस पिज्जा सॉस, तो तुम्हें ये पूरी चॉकलेट खानी पड़ेगी पिज्जा सॉस के साथ। और हाँ सुनो, जो भी खिलाड़ी ये टास्क पूरा नहीं कर पाया ना तो वो हार जाएगा, आई बात समझ में? अरे पहले कौन जाएगा ये बता। चिद्दी आजा। अरे काम करते ना, हमेशा की तरह लेडीज फर्स्ट। अरे नहीं लोकेश, हर बार लड़कियां ही पहले जाती है, इस बार चिद्दी जाएगा। हाँ। अरे ठहरो, लड़का लड़की बराबर होते हैं, एक काम करते हैं चिद्दी तू आजा। पता नहीं आज इस सिचुएशन में मैं क्यों फंसता हूँ पहले। ओए रुक जा, पहले तू सफर कर ऐसे। हाँ सही बोल रहा है। अब डमरू बजा रहा है क्या? खोल पर्ची। कर रहा हूं ना। मैं खोलूंगा। ले। ओ, काम मिल गया इसको। चॉकलेट प्लस पिज्जा सॉस। ओ, पिज्जा सॉस। ये तो इजी लग रहा है मेरे को लोकेश। देखते हैं। यस यस यस, मैं खा के दिखाऊंगा। यस यही है क्या?
ए रुक, पहले मैं चेक करूंगा तेरे लिए सेफ है कि नहीं। जहर वहर हुआ तो? अरे लोकेश यार, ये तो ऐसी खा जाएगा सारी चॉकलेट। अरे बहुत टेस्टी है। तो ऐसे कौन कहता है बहुत अच्छा है? स्वाद आया था ना वाला। खट्टी मीठी, मीठी खट्टी। अब जल्दी खाना। ओए माँ। लोकेश, इतनी कड़वी चटनी कौन खाता है? अरे यही तो चैलेंज है, खाली चॉकलेट देता तेरे को तू इतनी चॉकलेट खा जाता। मैं नहीं खेल रहे। अरे कहाँ चला गया? अरे जाने दे, टट्टी करने गया होगा। चलो ठीक है भाई, अगला नंबर किसका है तो बताओ। मैं चली जाती हूँ, बाय। विश मी लक। इसे सोख चढ़ाए। तेरी किस्मत का फैसला मैं करूंगा। कर ले। चॉकलेट प्लस आम। ची, इतना गंदा है ये, इतना मीठा मीठा हो गया। ऐसे तो मेरे चेहरों पे ना पिंपल आ जाएंगे। और मेरे को शादी भी करनी थी, मेरे से कोई शादी भी नहीं करेगा। हे भगवान, डब्बे सारे मेरे। ऐसे कैसे बेटा, चैलेंज जीतेगा तभी होंगे तेरे पांचों के पांचों डिब्बे। हाँ देख लेंगे। देखिए मेरे पिंपल आ रखा है क्या? इतना मोटा। सच्ची? बाहर में जाइए चैलेंज, बाहर में जाइए चैलेंज। मैं नहीं करी, मैं जा रही हूँ, समझ गए तुम? चलो बढ़िया है, एक और कटा। अब ये पता कौन जाएगा अगला? जाएगा नहीं, जाएगी वो है तेजस्वी। मैं? हाँ हाँ ठीक है, जीतना ही है मैंने तो। जा जा, अभी प्रेशर लगेगा ना और दस्त लगेगा। चॉकलेट प्लस गोभी। गोभी इसको कैसे खाऊंगी? चाकू तो लाओ यार। अब शादी में आई है क्या? चाकू दे तेरे को, हप जल्दी खा। अब दोनों साथ में कैसे खाऊंगी? काम करती पहले चॉकलेट, नहीं पहले गोभी खा लेती फिर चॉकलेट खाऊंगी। अब यही तो चैलेंज है, चॉकलेट प्लस पूरी गोभी खानी है। अरे पागल है क्या, इतनी सी खाऊंगी मैं? ओ भैया देखो पीछे, इसको पिंपल हो गया। अरे पिंपल नहीं, उसे घुमड़ी बोलते, घुमड़ी हो गई। अबे ओ, थूकने को नहीं कहा, खाने को कहा है, कॉम्बिनेशन है तेरा ये। छी यार लोकेश, कैसे कैसे चैलेंज देता है, इससे बढ़िया तो मैं चॉकलेट ही खा लेती। अरे ऐसे तुम चैलेंज हार जाएगी। अबे हट, इतना बेकार स्वाद है, ऐसा लग रहा है टट्टी खा लिया। छी मैं नहीं कर रही। अगला कौन जाएगा? अगली टर्न डीकरो की है। अरे नहीं नहीं, मैं क्या करूंगा, जाके मेरा भाई जाएगा। मैं क्यों जाऊंगा, तू जाएगा? तो जा रहा बताऊं? मैं जाऊंगा ना। ले भाई, दो तो पर्ची हैं। चॉकलेट प्लस अचार। चार? अबे चार क्या होता है? अबे अचार है। अच्छा अचार, चॉकलेट प्लस अचार, यस। अब तो ये हार ही जाएगा। अरे लोकेश, तेरे को पता है मेरे को अचार बिल्कुल पसंद नहीं है। अबे बात सुन, मैं यहाँ पर शादी के जोड़े नहीं बना रहा, तेरे को पसंद है क्या पसंद नहीं है? हट जल्दी खा, ये तो चैलेंज है। ये ले भाई, ये ले गाजर का अचार, ये ले।
ठीक है अब चीटिंग नहीं होने देगा हमारा अंपायर, इसकी निगाहें चील की हैं। हैप्पी दीदी मजा आ रहा है। अबे तू पागल है, अचार के साथ चॉकलेट आराम से खा रहा है, अरे जीत जाएगा। मजा कैसे आ रहा है इसको, ऐसे तो जीत जाएगा ये, हम तो हार गए। ये देख लोकेश एक और अचार, ये देख, ठीक है ना, नो चीटिंग। अरे यार गुल्लक तोड़ के डिब्बा खरीदा था, चोरी करके लाई थी, सारे इसके पैसे ले जाएंगे। अबे तो गले में लग रहा है वो। अरे अरे तू चैलेंज हार जाएगा, लगता है मेरे को टॉन्सिल होने वाला है। ओए माँ। ओ भाई मैं नहीं कर रहा है चैलेंज और। लोकेश अब तो ये चैलेंज तू जीत ही जाएगा, चारों तो हार गए, इस अंपायर को तो ऐसी टोपी पहना दूंगा। अब अगली बारी किसकी, लोकेश की। यस चॉकलेट प्लस करेला। ए भगवान करेला, करेले से तो मेरे को एलर्जी है। करेला तो बहुत करवा होता है, पका रहेगा। लोकेश कुछ दिमाग लगा भाई, आइडिया। अरे वाह भाई वाह दोस्तों, करेला तो मेरा फेवरेट है, मैं तो यही सोच रहा था चॉकलेट प्लस करेला आ जाए मेरा, भगवान ने मेरी सुन ली, थैंक यू गॉड, थैंक यू। करेला इसका फेवरेट है, ये तो आसानी से जीत जाएगा। अरे नहीं लोकेश नहीं नहीं, तू करेले के साथ नहीं खाएगा चॉकलेट। अरे अरे मेरा करेला है ना, करेला मेरा फेवरेट है। देख हमने तेरी सारी बात मानी, अब तेको हमारी बात माननी पड़ेगी, करेला तेरा फेवरेट है, ऐसे तो तू जीत जाएगा, ये चीटिंग है। अच्छा तू ये बता तेको एलर्जी किस चीज से है। मेरे को एलर्जी, मेरे को एलर्जी दूध से है। दूध से? हाँ तो तू चॉकलेट दूध के साथ खाएगा। अरे प्लीज यार दूध के साथ मत करो, प्लीज 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 यार, ये चैलेंज दूध के साथ मत करो यार, मेरे को एलर्जी बहुत ज्यादा है उसे। ना बाबा ना, हम नहीं सुन रहे, अब तो देखो चॉकलेट दूध के साथ ही खानी पड़ेगी यार, प्लीज मान जाओ ना। देख मैंने गोभी खाई और तूने क्या खाया था? मैंने तो आम खाया था। देख इसके पिंपल निकल गया, मेरे को तो उल्टी पड़ गई थी, अब हम जो कह रहे हैं वो तेको करना पड़ेगा। हाँ लोकेश तेजी सही कह रही है, जब मेरा चैलेंज आया था मैंने खाया था ना चारों साथ, तू भी खाएगा दूध के साथ। लोकेश लगता है तेरी बातों में आ गए, यस यस। कितने बुद्धू है सारे के सारे। तो फिर मैं करेला नहीं खाऊं, तो फिर मैं दूध के साथ खाऊं, जब भी तो मजा आएगा भाई। मैं बीमार हो जाऊंगा यार, पेट खराब हो जाएगा यार, मेरा बीपी हाई हो जाता है दूध के साथ चॉकलेट खाने से। मैं जल्दी कर, खा लेना तू, इतनी देर बकवास मार जा रहा है। लोकेश तू कितना तेज है रे, ये पांचों के पांचों मेरे जाल में फंस गए, और ये चैलेंज तो मैं जीत ही जाऊंगा। कितने बुद्धू है, कैसे बहका दिया इसको, करेला आया था मेरा। अब तो दूध और चॉकलेट तो मेरी फेवरेट है। क्या बोला तूने? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। चैलेंज में जीत गया यस यस यस। अबे ओ तूने चीटिंग करी, हमें पागल मत बना ठीक है। अबे बात सुन, वो तूने सुना है ना, देसा में देस हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, तो मैं दूध पी गया। अच्छा चल ठीक है, हम मान लेते कि तू जीत गया, तो हमें तो थोड़ी चॉकलेट खिलाएगा ना। अबे बात सुन, ये चैलेंज मैं जीता हूँ, तुम्हें ना एक बाइट भी नहीं दूंगा, और ये ना पांचों डिब्बे हो गए मेरे। तो कुछ मिला भी नहीं, सारा जीत लिया इसने। अरे मैं नहीं दे रहा। अरे देना भाई प्लीज प्लीज लोकेश खिला देना चॉकलेट। अरे 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 लोकेश रुक, मैं
अरे ये कहाँ चला गया? बे अंधा है क्या, हम भी तो वही देख रहे हैं कहाँ चला गया। चलना देख के आते हैं। चल यार, मैं तो लोकेश को रावण समझता था, ये तो राम निकला। देव मानुष भाई, देव मानुष। देख ये कितना अच्छा है, अपनी ना सोचकर बच्चों की सोच रहा है। हाँ यार, इन चॉकलेट्स पर ना हमसे ज्यादा हक इन बच्चों का था। बच्चे भी कितने खुश लग रहे हैं ना। किसी ने सही कहा है कि दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी होती है। हाँ तेजस्वी तो बिल्कुल सही कह रही है। लोकेश अरे वाह यार, लोकेश तूने तो बहुत अच्छा काम किया। अरे भाई डिक्रो, अच्छा काम तो क्या था, हम तो चॉकलेट कभी भी खा सकते थे। मुझे लगा इन चॉकलेटों पे हमसे ज्यादा हक इन बच्चों का था, तो मैंने इनको दे दी। हाँ यार लोकेश, तूने बहुत अच्छा है। अच्छा तो मैं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए बुरा भी हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। यार देख, अच्छा हो या बुरा हो, हमें चॉकलेट खिला दे तू, है ना। हाँ मुझे भी खानी है। और मुझे भी खानी है। अरे चॉकलेट तुम्हें जब खिलाऊंगा तुम चैलेंज जीतोगे। चैलेंज 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 लगा रखा है यार, हट। अरे चलो ना दोस्तों, घर चलते हैं, ठीक है। मेरे को यार किटकैट दिला दिया। मैं डेयरी मिल्क खाऊंगा यार। आज हमने एक नई बात सीखी कि दूसरों को खुशियाँ बांटने से अपनी खुशी भी दुगनी हो जाती है। यारो दोस्ती बड़ी ही हसी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और लव यू दोस्तों, ऐसे साथ देते रहना। बाय।